हेलो फ्रेंड्स, आई एम एलपी राकेश। वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मेनली आप लोगों के टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं। और आप जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उससे रिलेटेड मैं सारा टॉपिक को सेलेक्ट करके एक वीडियो बना रहा हूं। तो आज का मेनली टॉपिक रहेगा कि पहला टॉपिक रहेगा कि एलपी का वैकेंसी क्या सही में जुलाई मंथ तक आने वाला है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और कितना वैकेंसी आ रहा है, क्या 1,00,000+ वैकेंसी आने वाला है। तो ये टॉपिक बहुत ही वायरल हो रहा है और इस पर सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ। और जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो एएलपी का तैयारी कैसे करना है, एएलपी और टेक्नीशियन का, क्योंकि सीबीटी एग्ज़ाम जो रहेंगे वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, और उसको कैसे तैयारी करना है एकदम परफेक्ट स्ट्रेटेजी में बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इजीली इसको क्वालिफाई कर लिया था। और इससे मैं बहुत ही कुछ इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगा कि आपको किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, और क्या क्या पढ़ना है, लिमिटेड आपको कितना पढ़ना है, और क्या चीज़ पढ़ने से आपका वो प्रॉफिट होगा एग्ज़ाम में, मतलब आप जो पढ़ रहे हैं उसी रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये सारा कुछ मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। और मेरा वीडियो रेगुलर नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा ड्यूटी शेड्यूल थोड़ा बिजी हो गया था, क्योंकि हम लोग का एक फोर्टनाइट चलता है 14 डेज का, उसमें आपका प्रोग्रेसिव आवर के अकॉर्डिंग हम लोग के नंबर आती है। तो मेरे आवर्स जिसके भी कम रहेंगे वो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू सिस्टम आपका ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा और उसका पहले कॉल हो जाएगा। तो मेरा नंबर मतलब हमेशा टॉप में चला जाता था, क्योंकि मेरे घंटे कम थे, तो इस वजह से मैं मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आपसे कोशिश करूँगा कि रेगुलर आपको कुछ ना कुछ टॉपिक मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड अब मैं वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि आप लोगों का हेल्प करना बहुत ज़रूरी है और वैकेंसी बहुत वायरल चल रहा है, तो मे बी वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो आप लोग तैयारी पूरा 100% करिए। तो सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं कि क्या वैकेंसी सही में मतलब मिड मंथ में आपको देखने को मिल सकता है, मतलब 2023 में आपको मिड मंथ में देखने मिल सकता है। तो देखिए, वैकेंसी का तो मतलब एक्सपेक्टेड सब बताया है कि आपका जुलाई तक एक वैकेंसी मतलब अच्छा खासा देखने को मिल सकता है एलपी और टेक्नीशियन का, सब वीडियो बना रहे हैं इसके ऊपर। तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वैकेंसी तो आपका कभी भी आ सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जुलाई में आएगा, उससे पहले भी आ सकता है। लेकिन एक कुछ दिन पहले एक ऑफिशियल नोटिस आई थी कि आपका टेक्नीशियन का जितने भी बोर्ड में मतलब क्लियर वेटिंग लिस्ट क्लियर करने को बोला गया था, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं अभी शेयर करना चाहूँगा कि उसमें बोला गया था कि आपका अप्रैल या मार्च तक पूरा क्लियरेंस देने के लिए हर RRB बोर्ड को कि कहाँ पर कितने वैकेंसी खाली है। तो एक्सपेक्टेड है कि उसके बाद ही देखने को वैकेंसी मिल सकता है, और जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो आप लोग को मैं सबसे पहले अपडेट दूंगा, क्योंकि मैं भी एएलपी के पोस्ट में हूं और मुझे भी आप लोगों का हेल्प करना बहुत ही अच्छा लगेगा कि आपको सही डायरेक्शन में और कम समय में आपकी तैयारी हो जाए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइम देंगे, मतलब आप ज़्यादा टॉपिक पढ़ना के कोशिश करेंगे और उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा एग्ज़ाम में बैठने से। तो आपको वो चीज़ मैं बताऊंगा और आपका हेल्प करना चाहूंगा। और वैकेंसी के बारे में यही बोलना चाहता हूं कि वैकेंसी तो 100% आएंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट हर 4 ईयर्स में देखा गया है, तो इस बार भी 4 ईयर्स होने ही वाला है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि वैकेंसी आएंगे। और आप ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ वैकेंसी को एक टॉपिक लेकर के एक वीडियो बना दूँ व्यूज़ के लिए, तो मेरे चैनल में व्यूज़ तो आ नहीं रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग मतलब अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मेरे चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं एलपी टेक्नीशियन का, तो आप लोग अपना 100% एफर्ट लगाइए। और अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करिए, मैं उससे रिलेटेड टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और मैं बहुत सारा इंटरव्यू वीडियो भी लाने वाला हूं, मतलब मेरे फ्रेंड लोग हैं जो अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे, तो इससे के ऊपर मैं भी काम कर रहा हूं और जल्दी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। कुछ कुछ आपको नया इंटरेस्टिंग जानने को मिलेगा कि हाँ ये जॉब कैसा है, उन लोगों का क्या थिंकिंग है इससे रिलेटेड। और जहाँ तक एएलपी का तैयारी करना है वो ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि CBT 1, CBT 2, साइको मेडिकल एग्ज़ाम, तो उसके अकॉर्डिंग आप सोचेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब सिलेबस है और एग्ज़ाम स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम है, आपको बहुत सारा कहीं भी आप बाहर हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना तैयारी अगर सही मतलब वे में तैयारी करेंगे तो आप इजीली क्वालिफाई कर लेंगे।
तो आपको मेनली ध्यान देना है सीबीटी वन में जो आपका मैथ और रीजनिंग सबसे पहले आप कंप्लीट करिए, और उसमें जो भी मैथ में वीक है उन लोगों को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप दिमाग में ये मत रखिए कि मैं मैथ बना ही नहीं पाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रैक्टिस करिए, एकदम 100% आपका रिजल्ट होगा, देखिएगा। तो आप यूट्यूब में सारे वीडियोस पड़े हैं, कोई भी टॉपिक आप उठा करके उसका वीडियो देख करके अपना क्लियर कर सकते हैं डाउट। तो आप घबराइए मत, और मैथ और रीजनिंग पहले ख़त्म कर दीजिए पूरा, और उसको हो सके तो आप 5 टाइम 6 टाइम प्रैक्टिस करिए आपका जो भी वीक पोर्शन है। उसके बाद रीजनिंग के बाद आप करंट अफेयर पढ़िए, करंट अफेयर डेली पढ़िए, एक नोट्स बनाइए, उसमें हर डेली क्वेश्चन लिखिए, जो जो करंट अफेयर आ रहे हैं और जो भी चैनल को फॉलो कर रहे हैं उसमें आपको करंट अफेयर का एक नोट्स बनाइए। उसके बाद आपका जनरल नॉलेज के लिए आप पढ़िए, लूसेंट पढ़िए, या फिर और भी एनसीईआरटी की बुक आता है उससे पढ़िए, और भी बहुत सारे मार्केट में बुक है, मैंने फॉलो किया था प्लेटफॉर्म का, लूसेंट का, ये सब सारा मिक्स करके मैं पढ़ा था। और फिर आपका जनरल साइंस में तो आपको बेसिक पूरा क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बेसिक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है और उतना टफ नहीं पूछा जाता है, तो आपको इजीली क्वालिफाई कर लेंगे आप सीबीटी वन, क्योंकि इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें कोई मेरिट आपका नहीं बनेगा। तो आप घबराइए मत और अपना 100% एफर्ट लगाइए और यही स्ट्रेटेजी फॉलो करिए। मैंने भी ऐसा ही किया था, मैं इजीली क्वालिफाई कर लिया था सीबीटी वन, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। और कुछ भी परेशानी होता है तो सीधा कमेंट करिए, मैं आपका आंसर दूंगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा और आप कमेंट करिएगा, उसी से मैं सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक को सेलेक्ट करके मैं वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो भी नीड है जिसको उसके वहाँ तक पहुँचे और उनका हेल्प हो सके। और बहुत सारा कुछ मैं प्लान करके रखा हूँ, आपको आगे कंटेंट में देखने को मिलेगा, आपके मतलब कैसे तैयारी करना है और भी सारा कुछ मैं बताऊँ कि इंटरव्यू वगैरह लूँगा अदर एलपी का, तो उससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और इसका जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, मेरे तो 2 इयर्स प्लस हो गया है एक्सपीरियंस, तो मैं अपना शेयर करूँगा, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। जय हिंद, जय भारत।